इफ कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस ए प्लस एक्स देन डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू दिस, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हमें इक्वेशन गिवन है कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस एक्स। ओके, तो सिंपली यहाँ से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स। अब इसमें यू इंटू वी लगेगा, वाई का डिफरेंशिएशन कर जाएगा सिंपली वाई डैश विच इज डी वाई बाई डी एक्स और आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस एक्स, है ना। अब वाई ऐसे ही रहेगा और कॉस ऑफ ए प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कर जाएगा माइनस ऑफ साइन ए प्लस एक्स। तो ए प्लस के बाहर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन हो जाएगा ए प्लस एक्स, तो साइन ऑफ ए प्लस एक्स। नाउ यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मैं एक बार को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। रीज़न क्या है y डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने का, आई विल टेल यू लेटर। ओके, यहाँ से मैंने y डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो y डैश क्या जाएगा यहाँ से मेरा, यहाँ से y डैश आ जाएगा मेरा y साइन a प्लस एक्स। तो y डैश इज इक्वल टू y साइन a प्लस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस ए प्लस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस एक्स। अब अगर हम देखें y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन कॉस ए प्लस एक्स, तो ये जगह क्या कॉस एक्स अपॉन कॉस ए प्लस एक्स, तो यह पुट कर देते हैं हम, तो y डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन कॉस ए प्लस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स इंटू साइन ए प्लस एक्स। अब जैसे ही कॉस ए प्लस को अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सॉरी क्या हो जाएगा, नहीं साइन नहीं होगा यहाँ पे, हमारे पास में क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास में क्या टर्म आ जाएगी, इधर कॉस ऑफ ए प्लस एक्स की टर्म आ जाएगी और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या कॉस ऑफ ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस एक्स, है ना। नाउ अभी क्या लिखा हुआ है, कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इंडायरेक्टली क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी हो गया ये, तो इंडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है साइन ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए, तो साइन ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, और अपॉन में लिखा हुआ है हमारे पास में व्हाट कॉस स्क्वायर ए प्लस एक्स, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा ये ए प्लस एक्स। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये वाई डैश था, अब ये लिखा हुआ है साइन ऑफ ए प्लस एक्स माइनस एक्स है यहाँ पे, नॉट ए माइनस एक्स, तो साइन ऑफ ए प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा ओनली साइन ए हो जाएगा, जो कॉन्स्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब तो वाई डबल डैश क्या हो जाएगा साइन ए, तो हमारा ऐसे आ जाएगा साइन ए। अब टू सेक सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सबसे पहले पावर का करेंगे तो टू टाइम्स ऑफ सेक ए प्लस एक्स, और फिर सेक ए प्लस एक्स का क्या होता है सेक sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x, तो फिर से क्या हो जाएगा sec a plus x आएगा और tan a plus x आएगा, तो देखो sec of a plus x into tan of a plus x। नाउ यहां से वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 2 sin a into sec square a plus x into tan of a plus x, और यही हमें प्रूफ करना था कि हमारा डबल डिफरेंशिएशन इसके इक्वल है। So this is the answer for this question.